नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी। हम लोग इसी चर्चा को अब आगे जारी रखते हैं। जैसे हम लोग अभी अंग्रेजी सत्र में चर्चा कर रहे हैं और कल हम लोग सेल्फ की एक्टिविटीज के बारे में विस्तार से बात किए और कल हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट भी लिए थे। तो यदि परसों देखें तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी क्रियाएं मेरे अंदर हो रही हैं उसको जो ये चार्ट बना हुआ है सेल्फ का, जिसमें 10 एक्टिविटीज लिखी हुई हैं, उससे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। और कल हम लोगों ने चित्रण की क्रिया पे और बारीकी से काम करना शुरू किया था कि क्या हम अपने आप में संबंध पूर्वक जीने को चित्रित कर पा रहे हैं, व्यवस्था पूर्वक जीने को चित्रित कर पा रहे हैं। और इसको हमने और बारीकी से देखने का असाइनमेंट लिया था। भैया इसका पिछला स्लाइड लगा दीजिएगा। तो इस पर कल उन्होंने बात किया था, कल इस पर ध्यान दिया था कि एक छोर पर देखें तो लक्ष्य के रूप में स्वयं में अनुभव तक पहुंचना दिखता है, दूसरे छोर पर देखें तो भागीदारी के अर्थ में अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था और मानवीय परंपरा, इसमें भागीदार होना बनता है। यानी निरंतर सुखपूर्वक जीने की परंपरा बन जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, उसमें मुझे अपनी भागीदारी स्पष्ट हो जाए। ये दो छोरों पर अगर हम बारीकी से काम करते हैं तो हमारा धीरे धीरे आचरण निश्चित होता जाता है, हमारा भाव विचार निश्चित होता जाता है और अपने अंदर चिंतन बोध अनुभव की क्रियाओं को जागृत करने की प्रेरणा बनती जाती है। तो दिखता है कि अनुभव तक पहुंचना है तो अपने अंदर तैयारी तो करनी होगी, तो अपने भाव पे ध्यान देना है, भाव के प्रति सजग होना है और भाव में परिमार्जन करना है। अभी हो सकता है हमारे अंदर जो भाव बने हुए हैं, मान्यताओं या संवेदनाओं के आधार पर बने हुए हैं, उसको धीरे धीरे मूल्यांकित करते हुए शिफ्ट करना है ताकि जो सहज स्वीकृत भाव है वो मेरे अंदर स्थापित हो जाए, चिंतन में भाव स्थापित हो जाए जो मुझे सहज रूप से स्वीकार है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव, स्नेह का भाव, प्रेम का भाव, व्यवस्था मुझे स्पष्ट हो जाए, मेरे स्वयं में व्यवस्था क्या है, प्रकृति की हर अवस्था कैसे स्वयं में व्यवस्था, ये मुझे स्पष्ट हो जाए, ताकि धीरे धीरे मेरी तैयारी इतनी हो जाए कि मैं अनुभव तक पहुंच पाऊँ, अनुभव की क्रिया को जागृत कर पाऊँ। और ऐसा करते हुए दूसरे छोर पर संबंध में, व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। और इस बात को भी हम ध्यान में रख सकते हैं और जितना इसको हम ध्यान में रखेंगे उतना सटीक हम अपने जीने में निर्णय ले पाएंगे कि अल्टीमेटली मेरी जिम्मेदारी तो मानवीय परंपरा तक है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करना, जिस व्यवसाय में है उसको ठीक से चला देना, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं वहां ठीक से रह लेना, इतने भर में नहीं है। मेरी जिम्मेदारी तो मानवीय परंपरा तक है कि निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की परंपरा बन जाए। और आज हम थोड़ा कंटेंट को आगे लेके चलते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड भी लगा दीजिएगा। इसमें देखें ना तो संबंध सबसे अच्छे रहें ये तो आशा है हमारी, ठीक है ना, बट अच्छे संबंध कैसे हों, अच्छा संबंध क्या होता है, इसको हम चित्रित कर पा रहे हैं कि नहीं। जब हम संबंधों में दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो उसमें हम परतंत्र होते हैं, वो पूरा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पूरा होता है तो हम सुखी होते हैं, पूरा नहीं होता है हम दुखी होते हैं, हमारे तो शिकायत का भाव होता है। पूरा हो जाता है तो हो सकता है कई बार उसमें हम आवेश में भी आ जाएं, एक्साइटमेंट की स्टेट में आ जाते हैं, अधिमूल्यन कर लेते हैं दूसरे का। तो ये तो परतंत्रता है, एक्सपेक्टेशन तो होते हैं रिलेशन में, बट उस एक्सपेक्टेशन से जब हैप्पीनेस डिराइव करने जाते हैं दूसरों के साथ संबंध में तो हम परतंत्र हो जाते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ वो इन जनरल बात है ना, सिर्फ आपके लिए, कि हम तो अपना जो एक्सप्रेशन है उसको नहीं देखते हैं, अपना जो भाव है उसको नहीं देखते हैं, अपनी जो चाहना है और वो भी हम ग्रॉस लेवल पे देखते हैं कि भाई ओवरऑल तो ठीक ही है, मैं चाहता हूँ सबको सुखी करना, बट क्षण क्षण में जो हम इच्छा बना रहे हैं अपने अंदर उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो हम सबकी चाहना ठीक है, ठीक, हमारे भाव में क्या चल रहा है हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, वो एक्सप्रेशन में जा रहा है, उससे एक्सप्रेशन को रीड करके दूसरा हमारे भाव के बारे में आकलन कर रहा है और उसके अंदर उसके प्रति रिएक्शन है, दूसरे के एक्सप्रेशन को रीड करके, ठीक है ना, हमने उसके भाव का आकलन किया जिसके प्रति वो अनअवेयर है और वो अपने चाहना को देख के मान रहा है वो ठीक ही कर रहा है। और यही सारी कठिनाई है। मतलब इसके डीप डाउन जाएंगे तो दिखेगा कि दोनों तरफ समझ की कमी हो सकती है, ठीक है ना, समझने का काम हमने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, हो सकता है हमने थोड़ा ज्यादा किया, उन्होंने थोड़ा कम किया, बट ओवरऑल देखें तो हर रिलेशनशिप में यही इशू है। रियलाइजेशन अपने आप में एक डेफिनेट वर्ड है, कल इसीलिए हम लोगों ने ये भी बात
शेयर किया था कि रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस दोनों अलग चीजें हैं। तो रियलाइजेशन का मतलब तो ये हुआ कि मैं पूरे प्रकृति को शून्य में संपृक्त देख पाता हूँ, पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाता हूँ। ये परम स्थिति है, ये पूर्णता की स्थिति है। अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं भाई भाई संबंध को लेकर, वो चिंतन की वस्तु है कि भाई भाई संबंध हो, पड़ोसी पड़ोसी संबंध हो ना, या फिर कोई भी संबंध की बात करें, तो उस संबंध में निश्चित जो सहज स्वीकृत भाव है उसका दिखना, ये चिंतन की वस्तु है। मनुष्य क्या होता है, पशु पक्षी क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, मिट्टी हवा पानी क्या होता है, अणु परमाणु क्या होते हैं, ये सब अपने आप में क्या है, इनकी स्वयं में व्यवस्था क्या है, ये दिखना बोध है। तभी हम ज्यादातर कंसर्न जो होते हैं ना संबंधों को लेकर होते हैं। तभी आप देखिए जितने प्रश्न आते हैं उसमें ज्यादातर प्रश्न तो संबंधों को लेकर होते हैं, और संबंधों में भी जो हम आशा लगाए रखते हैं उसके पूरा ना होने को लेकर होते हैं। ठीक, अभी हमको संबंध में भागीदारी का भी चित्रण नहीं है, इसलिए भाव का चिंतन नहीं हो पाता। तो भाव जो है, जो मुझे सहज से स्वीकार है संबंधों में, उसका मैं चिंतन नहीं कर पाता। तो ये बात हो रही कि पहले चित्रण तो उसका हो, है ना, जो अभी दीदी से बात भी हो रही थी, इसका चित्रण तो पहले हो। वैसे भाई भाई संबंध में चित्रण तो हो, भाई के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस का जीने का प्रोग्राम क्या बनेगा। तो ये सारे शब्द जो लिखे हैं एक निश्चित अर्थ है। प्रचलन में हम इनका कई प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे चिंतन शब्द का प्रयोग कई बार हम समस्या के विश्लेषण के अर्थ में भी करते हैं, वो चिंतन नहीं है। चिंतन मतलब जो सहज स्वीकृत भाव है, विश्वास सम्मान स्नेह, इनका दिखना। वैसे बोध का मतलब ये नहीं कि कोई बात क्लिक कर गई या किसी समस्या में उलझे हैं और वहां से निकल गए, इसका बोध हो गया, नहीं। बोध मतलब स्वयं में व्यवस्था का दिखना। संकल्प का मतलब ये नहीं कि हमने कोई निर्णय ले लिया उसको अटल रह गए, वो तो हमारी जिद भी हो सकती है, हठ भी हो सकता है। संकल्प का मतलब कि संपूर्णता के अर्थ में कल्पनाशीलता का निश्चित होना, बोध के साथ ये संकल्प हुआ। तो इन सारे शब्दों को बहुत सटीकता से समझने की जरूरत है और उसी अर्थ में प्रयोग करने की जरूरत है। तो अभी जो हम कर रहे हैं, अधिक से अधिक क्या होता है, हम संबंधों में दूसरों से आशा लगाए रखते हैं कि दूसरा हमारे लिए ऐसा करे, या सुविधा से आशा लगाए रखते हैं कि उसकी पूर्ति से हमारे अंदर सुख बनेगा। तो हम दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर या शरीर से मिलने वाली संवेदना पाकर सुखी होने की आशा लगाए रखते हैं, ठीक। और ये आशा में ही चल रहा है, जब पूरा नहीं होता तो उसे विचार करते हैं और उसकी कैसे निरंतरता बने उसको लेकर ढेर सारा विचार करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आते हैं, उसका तुलन करते हैं, ऐसे भी तो हो सकता था, वैसे भी तो हो सकता था, है ना, और उसके लिए फिर हम एनालिसिस करते हैं। बट मूल रूप से देखें तो हमको वो भाव ही स्पष्ट नहीं होता जिससे म्यूचुअल हैप्पीनेस या म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, और फिर हम वहाँ फंसे रहते हैं और हम बहुत जोर लगाते हैं अभी विचार पे। इसलिए आप देखिए तो अभी हम विचार पे बहुत सारा समय लगाते हैं, और इसलिए कई बार हम जब समस्या में होते हैं तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, विचार में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, भाव स्पष्ट होते नहीं है। अगर ये भाव स्पष्ट होने लगे हैं तो उतना विचार करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करके सुखी होने में लगे हुए हैं, उसके स्थान पर हम अपने अंदर भाव सुनिश्चित हो जाए और जिससे मेरा सुख स्वयं में बना रहे, ये एक्सपेक्टेशन बनता है। अगला व्यक्ति तो वही करेगा जितनी उसकी योग्यता है। तो जो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख के सुखी होने में हम लगे रहते हैं, उसके स्थान पर हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मेरे अंदर सही भाव सुनिश्चित हो जाए, इससे मेरा व्यवहार तो ठीक हो जाए, मेरा आचरण निश्चित हो जाए। ये शिफ्ट लेना है अपने आप को। कंटेम्पलेशन कभी भी मान्यता या संवेदना के आधार पर नहीं होता, चित्रण तो हो सकता है। अभी इन दोनों को अलग करके चलें, चिंतन जो है ब्लॉक B1 में है, चित्रण जो है ब्लॉक B2 में है। चित्रण जो है वो प्री कंडीशन हो सकता है, वो एनस्लेव्ड हो सकता है, चिंतन नहीं। इनफैक्ट चिंतन का जो पोटेंशियल है मेरे अंदर उसी को नेचुरल एक्सेप्टेंस कह रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि भाई दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, ठीक है ना, तो ये बात मुझे दिख सकती है, और ये दिख सकती है क्योंकि मेरे अंदर चिंतन की क्रिया का पोटेंशियल है और वही मुझे नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में दिखाई देता है। तो जितना भी ब्लॉक B1 में लिखा हुआ है ना, ये सब हमको नेचुरल एक्सेप्टेंस पहले से ही है, भले ये जागृत हो या ना हो। और ब्लॉक B2 में जो चल रहा है उसके आधार पर भी चल सकता है और अन्यथा भी चल सकता है, कोई प्री कंडीशनिंग या सेंसेशन। तो चिंतन और चित्रण में अंतर है, भले ही डिजायर के साथ दोनों जुड़े हैं। इसलिए जो काम होता है वो इच्छा में परिमार्जन के साथ शुरू होता है, क्योंकि इच्छा में चित्रण भी है चिंतन भी है। अभी इच्छा हमारी परतंत्र है मान्यताओं के संवेदनाओं के, ठीक, आंशिक रूप से वो सहज स्वीकृति के आधार पर चल रहा है। चिंतन के साथ
प्रतंत्रता चली जाती है। जितना हम चिंतन कर पाते हैं सही भाव का, उतने में हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हम लोगों ने सेल्फ के बारे में, मैं के बारे में विस्तार से बात की, ठीक है। मुझे लगता है हिंदी शब्द हम सभी समझ पा रहे हैं, तो इंग्लिश का भी स्लाइड है। सेल्फ का जो डायग्राम हमने लिख लिया था वो सारे अंग्रेजी के शब्द थे, यहाँ हिंदी में भी रखा हुआ है, तो हमको को रिलेट करने में भी आसानी होगी। तो अस्तित्व को देखें तो सहअस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। शून्य है जो हर जगह व्याप्त है, उसमें इकाइयां संपृक्त हैं, ऐसा हमको दिखता है। तो ये जो अभी भी चर्चा हो रही थी, तो हम अपने में संक्रमण करते हुए नीचे क्रियाओं से ऊपर क्रियाओं तक गति करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच पाते हैं जब हम पूरे अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसा दिखाई देता है उसका पूरा विवरण है। तो हमें पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा दिखाई देता है। तो दिखता है कि इकाइयां हैं, है ना, जो आकार में सीमित हैं, और हर इकाई स्वयं में एक क्रिया है और एक नियंत्रित क्रिया के रूप में है, यानी एक निश्चित आचरण के साथ क्रियाशील है। हर इकाई स्वयं में ऊर्जित है, हर इकाई में ऊर्जा है और दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। शून्य को देखें तो असीम है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां तक शून्य, उसके आगे शून्य नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। असीम है, व्यापक है, हर जगह व्याप्त है और इसमें क्रियाएं बनी हुई है, परंतु ये क्रिया शून्य है। तो शून्य क्रिया शून्य है, हर क्रिया के आधार में है और क्रिया शून्य है। इसमें नियंत्रण उपलब्ध है, शून्य में बने रहते हुए हर इकाई नियंत्रित है। किस प्रकार? तो शून्य में नियंत्रण उपलब्ध है, इसमें बने रहते हुए इकाइयां नियंत्रित है। हर इकाई ऊर्जित है, किस प्रकार? तो शून्य साम्य ऊर्जा के रूप में है। साम्य ऊर्जा मतलब इसमें कोई घटना बढ़ना नहीं, एक प्रकार से बना रहता है और पारदर्शी है। पारदर्शी है तो शून्य बने रहते हुए इकाई दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। इसमें पहचाना निर्वाह करना नहीं है, पारदर्शिता है, यानी आधार में, उस पहचाने निर्वाह करने के आधार में। तो अगर इकाइयों को देखें तो दो तरह की इकाइयां दिखाई देती हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयां जिसको मेटेरियल यूनिट्स कहेंगे, चैतन्य इकाई जिसको कॉन्सियसनेस यूनिट कहेंगे। तो अगर मेटेरियल यूनिट्स को देखें तो सामयिक है, सामयिक है मतलब उसके गठन में परिवर्तन होता रहता है, टूटती जुड़ती रहती है, ठीक। तो हम स्ट्रक्चर्स को देखें तो टूटते जुड़ते रहते हैं। बिल्डिंग है, जुड़ के बन गया, कल मान लीजिए भूकंप आ जाए, टूट जाता है, वापस मिट्टी मिल गया। ऐसा परमाणुओं के स्तर पे, अणुओं के स्तर पे भी दिखाई देगा, उनमें गठनशीलता है, परमाणु अंश टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, परमाणु से परमाणु मिलकर अणु बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो इसमें सामयिकता है, गठन में परिवर्तन होता रहता है। और ये भी दिखाई देगा कि इसमें सिर्फ पहचाने और निर्वाह करने की क्रिया है। जो भी जड़ इकाइयां हैं, जो गठनशील इकाइयां हैं, उनके साथ दो ही क्रिया दिखाई देती है, पहचानना और निर्वाह करना। तो संबंध को पहचानते हैं, दूसरी इकाई के साथ उसका निर्वाह करते हैं। चैतन्य इकाई को देखें तो इसमें निरंतरता है, इसे गठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं कि इसकी एक क्रिया टूट के बाहर चली गई या बाहर की कोई क्रिया जुड़कर इसमें शामिल हो गई, ऐसा नहीं होता। ये कहने में सुनने में हास्यास्पद लगता है। तो इसको गठन पूर्ण कहा, इसका गठन पूरा हो चुका है, इसे गठन में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि हमको गठनशील इकाइयों में दिखाई देता है। और यहां से पहचानना निर्वाह करना नहीं है, जानना और मानना भी है। तो ये हम लोग बात करते हैं, जब मैं और शरीर की बात करते हैं, कि मैं में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना, चार तरह की क्रिया है। जैसे अभी हम जो काम कर रहे हैं ये जानने की क्रिया है, इसके साथ हमारे अंदर मानने की क्रिया भी हो रही है। मानने क्रिया जानने के साथ भी सकती है, जानने के भाव में भी सकती है। तो हमारे में जो भी पहचाना निर्वाह करना होता है उसके आधार में कम से कम मानना तो है ही। जड़ इकाइयों में देखें तो पहचाना निर्वाह करना के आधार में मानना नहीं है। फिर जड़ इकाइयों थोड़ा और अध्ययन करें तो ये दो अवस्थाओं में दिखाई देते हैं, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था को देखें तो उसकी सबसे छोटी इकाई जो स्वयं में एक व्यवस्था है, वो परमाणु है, जो अपने आप में गठनशील इकाई है।
और ये परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़ के अणु बनाते हैं, यही अणु जुड़कर अणु रचनाएं बनाती हैं। अभी अणु रचनाएं दो प्रकार से पाई जाती हैं। एक प्रकार है कि जैसे कोई पिंड यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसमें फ्लो नहीं है, जो एक शेप को बनाए रखता है। तो ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, घर में फर्नीचर देख रहे हैं, ये सारा कुछ अगर देखें, लोहे के बने सामान हैं, ये सब पिंड के रूप में है। अब यही स्ट्रक्चर्स बड़े होते होते अगर आप देखें तो ग्रह गोल का रूप ले लेते हैं। ग्रह गोल मतलब इतने सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है ना, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ये सब इसी में है। इसके साथ एक रचना दिखाई देती है, इसको रस कहेंगे। रस मतलब जो इसे बहाव है, जैसे हवा है, पानी है, ये सब रस है। तो रस ही आपस में गठित होकर एक रचना करते हैं, इसको प्राण कोशा कहते हैं। इन्हें एक ऐसी रचना तैयार होती है जिसमें वायु का दान प्रदान होता है, उसमें प्राण होता है, और प्राण जिन कोशों में होता है उसको प्राण कोशा कहते हैं। प्राण जिन कोशों में होता है उसको प्राण कोशा कहते हैं। यही प्राण कोशा आपस में गठित होकर पेड़ पौधे बनाते हैं। तो जैसे पेड़ पौधों को देखें तो बहुत सारे उसमें टिश्यूज हैं, टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है ना, ये सेल्स क्या है, यही प्राण कोशाएं हैं। यही प्राण कोशाएं एक अलग तरह से गठित होकर पशु या पक्षी के शरीर बन जाते हैं। यही प्राण कोशाएं एक अलग तरह से गठित होकर मानव के शरीर बन जाते हैं। तो पूरे जड़ संसार में देखें तो ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो रचनाएं बाहर बाई तरफ लिखी हैं, जिसमें परमाणु से अणु बना, अणु से अणु रचनाएं बनी, इनको कहा पदार्थ कोष। ये दाई तरफ लिखी है जिसमें प्राण है, इसे कहा प्राण अवस्था। प्राण है मतलब उसमें वायु संचार है, वायु का दान प्रदान होता है, और उससे इनमें पुष्टि भी दिखाई देती है, ग्रोथ होता है। इधर देखें तो अणु परमाणुओं को अगर देखें, इसमें ग्रोथ नहीं है, एक प्रकार से बने रहते हैं, बट जैसे इसमें प्राण शामिल हो जाता है, ये स्वयंस्फूर्त ढंग से ग्रोथ करने लगते हैं, इनमें पुष्टि होने लगती है। अब ये जो प्राणावस्था की इकाइयां हैं, ये जब चेतन इकाई के साथ सहअस्तित्व में आते हैं तो दो अवस्थाएं बनती हैं, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो जीव मतलब पशु पक्षी, तो पशु पक्षी का शरीर है और यहाँ पे चेतन इकाई है, ये इनका सहअस्तित्व हुआ तो जीव अवस्था बन गई। वैसे मानव शरीर है और ये चेतन इकाई है, इनका सहअस्तित्व हुआ तो मानव हो गए, इसको ज्ञान अवस्था कहा। तो जीव अवस्था को अगर देखें, जीव मतलब होता है जो जीना चाहता है। ज्ञान अवस्था को देखें तो हम मूलतः सिर्फ जीना नहीं चाहते, ज्ञान पूर्वक जीना चाहते हैं, निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं। तो हमको दिखाई देगा कि ज्ञान हमारी एक मौलिक आवश्यकता है। पशु पक्षियों के लिए जीना पर्याप्त है, हमारे लिए जीना पर्याप्त नहीं है। हम सुख पूर्वक जीना चाहते हैं, और सुख को जब समझने जाते हैं तो दिखता है कि ये ज्ञान के साथ ही संभव है, निरंतर सुख। फिर अपने अंदर ज्ञान के लिए जब काम करते हैं तो दिखता है कि हम सबके अंदर सहज स्वीकृति तो पहले ही से बनी हुई है, संबंध के प्रति, व्यवस्था के प्रति, सहस्तित्व के प्रति। उसको देखना भर है, जिस पे हम लोग कल और परसों विस्तार से बात किए, आगे बात किए। तो ये मेरे अंदर देखने का काम पूरा हो जाए, मेरा ज्ञान पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इस ज्ञान के साथ फिर मैं आचरण कर पाता हूँ, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी कर पाता हूँ। अब यदि हम जड़ संसार को देखें तो इसमें हमको चक्रियता दिखाई देती है। परमाणु मिलके अणु बने, अणु मिलके अणु रचनाएं बनी, पिंड बने या रस बने, ठीक, और वापस पुरानी स्थिति में चले गए, ठीक है। तो हमने भवन बनाया, हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स खड़े किए, फिर हो सकता है कभी भूकंप आया, कभी कोई घटना हुई, वापस मिट्टी में मिल गया। और ये सब दिखता ही, हम जितने सारे चीजें बनाते रहते हैं गठनशील परमाणुओं से, उसमें टूटना फूटना होता ही रहता है। हम एक फर्नीचर खरीद के लाते हैं, ठीक, कुछ समय बाद उसको दीमक चाट जाते हैं और वापस मिट्टी में मिल जाता है। कपड़े हम पहनते हैं, एक समय फट जाते हैं, ठीक, वो फेंक देते हैं हम, फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है कि नहीं। लोहे का बना हुआ भी कोई अगर पिलर है, धीरे धीरे उसमें जंग लगती है, वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसमें चक्रियता है, वैसे हमारा शरीर में चक्रियता है, ठीक, मिट्टी में मिल जाता है। पशु पक्षी के शरीर में चक्रियता है, मिट्टी में मिल जाता है। पेड़ पौधों में चक्रियता है, मिट्टी में मिल जाता है कि नहीं। तो
तो बाई तरफ जो लिखी हुई चीजें हैं हमें देखेंगे चक्रियता है, जहां से शुरू हुए तो वापस वहीं पहुंच गए कि नहीं। अगर दाई तरफ देखें जो इधर लिखा है ना चैतन्य के साथ जुड़कर, तो इसमें विकास है, ये एक बार पूरा हो गया ठीक है, वापस पुरानी स्थिति में नहीं जाएगा। जैसे हमको चित्रण की क्रिया में भाव विकसित हो गए, चिंतन हो गया, अभी एक बार चिंतन हो गया तो हमारा चित्रण निश्चित बना रहेगा, अब वो मान्यताओं के दबाव प्रभाव में नहीं आएगा। जब तक चिंतन नहीं हुआ तब तक तो हो सकता था, वैसे बोध हो गया, अनुभव हो गया, अब एक बार हमारे अंदर ज्ञान पूरा हो गया, अब मैं उस ज्ञान के साथ बना ही रहूंगा, वापस पुरानी स्थिति में नहीं लौटूंगा। इसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ब्लॉक बी वन और ब्लॉक बी टू हमेशा मतलब साथ में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि विघटित होकर ब्लॉक बी वन कहीं और चला गया, ब्लॉक बी टू कहीं और चला गया ज्ञान के बाद, ऐसा नहीं। तो ज्ञान के बाद ये जो अनुभव का आयाम है और जो कल्पनाशीलता का यानी विचार का आयाम है, ये साथ साथ बने रहते हैं, यही मेरा विकास है। ये बात हमको पूरी स्पष्ट हो जाए तो पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा स्पष्ट होता है, और अनुभव के साथ जब मुझे संपृक्तता दिखाई देती है तो जो मुझे आंशिक रूप से चिंतन हुआ, आंशिक रूप से बोध हुआ, उसमें पूर्णता आ जाती है, पूरी बात जैसी है वैसी स्पष्ट हो जाती है। अब अगर ऊपर देखें तो कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे धर्म और विचार है ना, नियम और कार्य, न्याय और व्यवहार, और ऊपर देखें तो सत्य नित्य वर्तमान। तो अस्तित्व अस्तित्व के रूप में दिख जाए, अस्तित्व नित्य वर्तमान के रूप में दिख जाए तो मेरे अंदर सत्य का ज्ञान हुआ। वैसे ही यदि मुझे व्यवस्था स्पष्ट हो जाए तो मुझे धर्म का बोध हुआ। तो इस धर्म के बोध के साथ जो मेरे अंदर जो भी विचार चलेगा धर्मपूर्ण ढंग से चलेगा, वैसे ही मुझे सही भाव का चिंतन हो जाए, मेरे अंदर न्याय की दृष्टि बनी, अब जो भी मैं व्यवहार करूंगा वो तो न्यायपूर्ण होगा, उभय सुख के अर्थ में होगा। और वैसे ही मुझे पूरी प्रकृति की व्यवस्था जब स्पष्ट हो गई तो जो भी मैं कार्य करूंगा नियम पूर्वक करूंगा, नियम को समझ के करूंगा कि नहीं। तो सत्य के ज्ञान के साथ मेरा विचार धर्मपूर्ण हो जाता है, कार्य नियमपूर्ण हो जाता है, व्यवहार न्यायपूर्ण हो जाता है। तो नियम, न्याय, धर्म और सत्य, ये चारों हमें स्पष्ट हो पाते हैं, ये कुल उपलब्धि है, यही गंतव्य है, यही पहुंचना है, इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम मॉर्निंग सेशंस कर रहे हैं, इसी के लिए हम वर्कशॉप कर रहे हैं, इसी के लिए हम दिन भर अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी के लिए असाइनमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और भी दिखाई देगा कि ये मेरे अंदर भी हो जाए, मेरे संबंधी के अंदर भी हो जाए, इसीलिए मैं संबंध का निर्वाह भी कर रहा हूं, इस समाज में हर व्यक्ति के अंदर होने के लिए व्यवस्था बन जाए, इसी के लिए मैं व्यवस्था में भागीदारी कर रहा हूं, ऐसी एक मानवीय परंपरा बन जाए निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने के लिए, यही मेरे जीने में प्रमाण होगा। तो स्वयं में हम अनुभव के साथ इन सब चीजों को देख पाते हैं, जीने में उनको हम प्रमाणित कर पाते हैं, ये कुल मुद्दा है। भैया इसका नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा। तो अभी हम जो बाई तरफ लिखी चीजें इस पर विस्तार से बात भी हुई थी, हो सकता है यहाँ खड़े हों और हम यहाँ से परिमार्जन करके यहाँ पहुंचना है कि नहीं। तो अनुभव के साथ पूरा अस्तित्व रूप में स्पष्ट होता है और उसी दिशा में हम क्रियाशील हैं। तो पिछले 3-4 स्लाइड्स में जितनी बात कही जा रही है उसका आशय इतना ही है कि एक छोर पर स्वयं में अनुभव तक पहुंचना है, ये दिखाई देता है, दूसरे छोर पर मानवीय परंपरा तक पहुंचना है, ये भी दिखाई देता है। तो स्वयं में अनुभव तक पहुंच जाए, मेरी क्रियाएं पूर्ण हो जाए, उसको क्रिया पूर्णता का अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, मानवीय परंपरा में हम भागीदार हो जाए, मेरा हर आचरण उसी के अर्थ में हो, इसको आचरण पूर्णता का, और गठन पूर्ण पहले से ही है, तो जो भी चैतन्य इकाइयां हैं वो गठन पूर्ण है ही, कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट है ही, तो गठन पूर्ण पहले से ही है, क्रिया पूर्ण हो जाए, फिर आचरण पूर्ण हो जाए, यही कुल करने का काम है, यही शिक्षा का प्रयोजन है। तो ये जो हम
फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, फॉर्मल एजुकेशन के बाद भी समय लगाते हैं इसी बात के लिए कि हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ये सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, हम स्वयं में विकास कर पाए, हमारे अंदर संक्रमण हो जाए, ये समाज में हो जाए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में परंपरा बन जाए, संस्कृति बन जाए, सभ्यता विकसित हो जाए, है ना, ऐसा जीने का स्वरूप निकल कर आ जाए। धर्म का मतलब हुआ कि जो प्रकृति में व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ जिसको जब कह रहे हैं तो वो जो हम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, तरीका बना, सिस्टम बना लेते हैं, उसको नहीं कह रहे हैं। वो तो जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है नेचर में ऑलरेडी, उसको व्यवस्था कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें कई प्रकार के आनंद का मतलब ये हुआ कि अनुभव घटित होने के आधार पर मेरे अंदर जो बोध की पूर्णता होती है, यानी प्रकृति की व्यवस्था पूरी समझ में आती है, उसको आनंद नाम दिया। तो अनुभव होने को परम, तो ये क्या हुआ, होता ये है कि हम एक अच्छे भाव के साथ, एक अच्छी आशा के साथ क्रियाशील तो रहते हैं, ठीक है ना, परंतु हमारा भाव गर्म को हो तो आशा तो लगी रहती है हमारी कुछ अच्छा हो जाए, बट हमारे पाते हैं ना, तो हमको लगता है कि मेरा भाव तो अच्छा है परंतु निश्चित नहीं हो पाते हैं, तो फिर संबंधों में शिकायत बनी रहती है, संबंधों में कठिनाई बनी रहती है। तो इसको एक एक करके समझना होगा, भौतिकता भी क्या, आध्यात्मिकता भी क्या है, ठीक है। अभी तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है, अभी तो ये बात हो रही है कि जो वस्तु समझा जाए तो जड़ संसार को जड़ की तरह देख लें, चैतन्य संसार को चैतन्य की तरह देख लें, इन दोनों का सह अस्तित्व देख लें। जड़ को जड़ की तरह नहीं देख पाते हैं तो उसे अधिकता कर देते हैं, चैतन्य की तरह न देख पाए उसकी भी अधिकता कर देते हैं, वो आध्यात्मिकता हो जाती है। फिर तो दिखता है कि प्रकृति में ऑलरेडी व्यवस्था है ही, जड़ और चैतन्य आपस में है ही, जड़ को जड़ की तरह देखना है, चैतन्य को चैतन्य की तरह देखना है, इन दोनों के सह अस्तित्व को देखना है, वो सहज रूप से होने लगता है। यानी हम शरीर और मैं, ठीक, तो ऐसा नहीं कि मुझे शरीर से भोग भी करना है और अपने आप में संबंधों का सुख भी पाना है और इन दोनों को बैलेंस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शरीर एक जड़ इकाई है, उसकी आवश्यकता निश्चित है, ठीक है ना, इसमें बैलेंसिंग वाली कोई बात नहीं, आवश्यकता पूरी करेंगे। वैसे चैतन्य में ज्ञान की क्षमता है, उस ज्ञान को भी पूरा करेंगे। तो जो बैलेंसिंग वर्ड कई बार हम लाइफ में यूज करते हैं ना, उसमें होता ये है कि अभी आशा तो दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर या अनुकूल संवेदना पाकर तो लगी ही रहती है, उसको कैसे मिनिमम डैमेज के साथ हम पूरा करते चलें, उसके लिए हम कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो असाइनमेंट ग्रुप में फिर आज ये है कि भैया इसका पिछला स्लाइड एक बार लगा दीजिएगा, इस पूरी चीज को देखें और एक एक शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करें, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, है ना, व्यवस्था क्या है इसका, और पिछला स्लाइड, हाँ ये, इसमें जितने भी शब्द लिखे हैं उसको ठीक से अपने आप में समझने का प्रयास करें, ये शब्द हैं क्या, ठीक, क्योंकि इन शब्दों का हम लोग बहुत ही सटीकता से आगे प्रयोग करने वाले हैं, अगर इन शब्दों के अर्थ में कुछ हो जाएगी तो हमें आगे और चर्चा करने में भी, है ना, ठीक से कन्वे नहीं होगा मैसेज। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। असाइनमेंट ग्रुप में ये है कि एक एक शब्द को हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्ते।